अच्छा, आप भी सिक्किम जाना चाहते हो? एडवांस में मांग रहे हो वो लोग पैसा और आप देना नहीं चाहते हो। डाउट लग रहा है सही होटल मिलेगा नहीं मिलेगा, एडवांस देने के बाद पैसा वापस मिलेगा, अगर ट्रिप कैंसिल हुआ तो पैसा वापस मिलेगा नहीं मिलेगा, बहुत सारे डाउट है। कौन सा कार मिलेगा, छोटा कार मिलेगा, सीडन कार मिलेगा, हैचबैक कार मिलेगा या एसयूवी मिलेगा? नॉर्थ सिक्किम खुला रहेगा या बंद रहेगा? सिक्किम जाए तो कहाँ कहाँ जाए, वहाँ के किसी ड्राइवर का नंबर मिल जाता? तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग में से कई लोग जो है कमिंग अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आप लोग जो प्लान कर रहे हैं सिक्किम के लिए, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो, क्योंकि आपको यहाँ पे जो है एकदम असली नॉलेज मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, एच ब्लॉग के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि लास्ट वाले वीडियो में मैंने सिक्किम से रिलेटेड कुछ एक वीडियो बनाया था, अपडेट बताया था जो भी, तो वो उसके बारे में काफ़ी सारे क्वेरीज है, तो इसके रिगार्डिंग आज का जो वीडियो है उसी के रिगार्डिंग है। और आपकी देखो बहुत लोग जो है आपको YouTube पर मिलेगा, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो YouTube में आपको बता रहा होगा कि जो अक्टूबर मंथ है वहाँ पे पहले से बुकिंग करके सिक्किम आना है, और नहीं तो आपको जो है रूम नहीं मिलेगा, आपको प्रॉपर रूम नहीं मिलेगा, तो आपका जो बुकिंग जो है, अगर आप प्रॉपर बुकिंग नहीं करोगे, एडवांस बुकिंग नहीं करोगे, तो आपको जो है दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारा जो है दिक्कत होगा वहाँ पे, ऐसा बताया गया है, जिसके कारण जो है आप लोग हेजिटेशन हो रहे हो और आप लोग को कन्फ्यूज़ हो रहे हो कि एडवांस में जो टूर एंड टूरिज्म है उनके साथ कांटेक्ट करके बहुत लोगों ने जो है एडवांस पैसा भी दे दिया होगा। और देखो, अगर आपने एक बार अगर अच्छा टूरिज्म है तो सब कुछ ठीक है, अगर टूरिज्म में भी बहुत सारा, मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था आप लोग को कि जो है सिक्किम में काफ़ी कोई भी टूरिस्ट प्लेस में ना आपको टूरिज्म से मतलब ना लोगों को बहुत ज़्यादा ठगाया जाता है, बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है, बहुत ज़्यादा आपको जो सिक्किम में तो बहुत बहुत ज़्यादा है। मैंने बहुत बार फेस भी किया है, और फेस मतलब मुझे सफ़र नहीं हुआ हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि ऐसे ज़्यादा फ्रॉड होता है, बहुत ज़्यादा आपको जो सिक्किम में तो बहुत बहुत ज़्यादा है। मैंने बहुत बार फेस भी किया है, और फेस मतलब मुझे सफ़र नहीं हुआ हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि ऐसे मतलब फ्रॉड किया हुआ है बहुत लोगों के साथ। क्योंकि जब मैं नॉर्थ सिक्किम गया था ना 2019 में, तो मुझे लिया था नॉर्थ सिक्किम का जो शेयर कार से, जिनको पता है या फिर जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ कि सिक्किम से आपको अगर नॉर्थ सिक्किम जाना है ना, तो आपको नॉर्थ सिक्किम जो सिक्किम से जो है ना नॉर्थ सिक्किम के लिए शेयर कार मिलता है, तो शेयर कार में आपको जो है जो आपका जो होटल वाला है वहाँ से होटल वाला को आप अगर बोलोगे कि हमें नॉर्थ सिक्किम जाना है, तो वो आपको नॉर्थ सिक्किम के लिए आपको टिकट वगैरह सब कुछ बुकिंग वगैरह कर देगा। और वो क्या करेगा, आपको एक कैब बुला देगा, और वो कैब जो है ना वहाँ पे सिक्किम में नॉर्थ सिक्किम जाने से पहले ना आपको एक बहुत बड़ा स्टैंड मिल जाएगा, वहाँ पे शेयर कार का स्टैंड मिल जाएगा, वो बहुत बड़ा है, तो उस स्टैंड में आपको रुकना है। उसके बाद जो है आपका जो वहाँ पे बहुत सारे शेयर कार स्टैंड रहते हैं, तो वहाँ पे जो है आपका जो आपके आपके जो कार है या फिर जो भी आप ट्रैकर में वहाँ पे ट्रैकर वगैरह चलता है, तो जो ट्रैकर वगैरह है उसमें आप जैसे कि आपको पता है कि ट्रैकर में वो ट्रैकर देखो ऐसा बंद वाला पूरा कंप्लीट बंद रहेगा, ऐसा जैसे कोई कोई ट्रैकर ऐसा होता है ना कि कपड़ा वाला होता है उसमें तिरपाल वाला, तो वो नहीं रहता है, वो पूरा कंप्लीट बंद रहेगा, जैसे टाटा सुमो हो गया उस टाइप का। तो उसमें क्या होता है कि आपको बहुत दूर लंबा टूर करना पड़ता है, तो वहाँ पे जो है ना आप किसी के से मुझे उस वक्त 2019 में मुझे 1200 लिया था, और जो मेरे जो उसी कार में जो और भी बहुत लोग थे ना, वो लोग अलग अलग जो टूरिज्म के साथ कनेक्ट होकर वो लोग वहाँ जमा होते हैं एक साथ एक कार में, जैसे ही 15 लोग हैं तो 15 लोग वहाँ पे बैठ गए, जैसे मिडिल में हो गया 3, आगे हो गया 2, तो 5, 6, 7, 8, 9 लोग 9-10 लोग को लेके जाते हैं ड्राइवर को छोड़ के। तो वहाँ पे ना मैंने अपने जो साथ में जो भी थे मेरे साथ टूर करने वाले उसी कार में, हम अभी 2 दिन के लिए उनके साथ ही रहेंगे, वहाँ पे होम स्टे करेंगे, फिर उनके साथ ही नॉर्थ सिक्किम घूम देख के वापस आएंगे। तो उनमें से मैंने एक को पूछा था, तो सबसे जान पहचान हो ही जाता है 2 दिन में, काफ़ी ज़्यादा फ्री हो जाता है एक दूसरे के साथ, तो मैंने उनसे पूछा था कि आपका कितना लिया था बुकिंग, तो मेरा उस वक्त था 1200, तो उनका बुकिंग जब मैंने बताया पूछा तो उनको बताया था कि 1800 पर हेड, अभी तो बढ़ चुका है, अभी का जो रेट है वो अपडेट हो चुका है और ज़्यादा हो चुका है, 1200 से ज़्यादा है अभी तो। लेकिन तब मैंने उनको पूछा था तो उन्होंने बताया था कि 1800, तो सोचो इतना डिफरेंस, मतलब 600 रुपये का डिफरेंस है, अगर उनके साथ अगर 3 लोग गए तो 1800 रुपये का नुकसान है, मतलब तो फ्रॉड हुआ है उनके साथ वो एक्चुअली, तो ये नहीं करना चाहिए। और इसके लिए आज का जो ये वीडियो है ना, मैं इसीलिए बनाया हूँ कि देखो अक्टूबर में ना वहाँ पे बहुत लोग बोलते हैं कि सीज़न है वहाँ पे बुकिंग नहीं मिलेगा बुकिंग वगैरह, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको वहाँ पे आप जाओ, आप बिना विदाउट बुकिंग आप जाओ, आपको एकदम आराम से जो है वहाँ पे रूम मिल जाएगा 100%। और आपको अगर किसी भी इंक्वायरी के लिए अगर आपको चाहिए, तो आप बहुत सारे लोग जो है ना, मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था तो अपडेट दिया था सिक्किम का अक्टूबर का जो अप टू डेट था, उसमें
बहुत सारे लोगों ने मुझे जो है इंस्टाग्राम में जो है मेरा, देखो अभी इंस्टाग्राम सब लोग पूछते हो कि कैसे कहाँ मिलेगा, तो वो अबाउट सेक्शन में होता है। जैसे आप चैनल खोलोगे ना तो ऊपर में तो है, ऊपर में आपको इस जगह में आप अगर क्लिक करोगे ना तो आपको जो है वहाँ पे अबाउट सेक्शन मिलेगा। यहाँ से आप जाके इंस्टाग्राम और जो भी है मेरा सोशल मीडिया का जो लिंक है वो वहाँ पे मिल जाएगा, चाहे वो फेसबुक हो चाहे वो इंस्टाग्राम हो, वहाँ पे आप जो है क्लिक करके मुझे एक मैसेज कर सकते हो। तो मैसेज करने से मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा। तो अभी देखो यहाँ पे ओपन में नंबर नहीं देना चाहता हूँ कि ये मेरा पर्सनल नंबर है, तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है डिस्टर्बेंस आ जाएगा तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसीलिए जो है मैंने नंबर जो उनको दूंगा जिनको ज़रूरत है, तो ऐसे ही मैं यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करना चाहता हूँ, तो उसके लिए सॉरी। तो आप अगर इंस्टाग्राम में अगर मुझे मैसेज करोगे तो मैं अपना नंबर जरूर दे दूंगा और आपको जितना हो सके उतना गाइड करने की कोशिश करूँगा। मैंने बहुत लोगों को किया भी है, काफ़ी लोगों को किया है। अगर उनमें से कोई भी अगर वीडियो देख रहा है तो आप लोग कमेंट करके बता दो कि आप मैंने मदद किया है कि नहीं किया है। तो बाकी जो है आप लोग को देखो वहाँ पे ना मैं आपको जो है और वहाँ पे एक नंबर दे दूँगा आपको। तो जैसे लास्ट वाले वीडियो में मैंने बताया था कि मेरा एक फ्रेंड है वहाँ पे वांगल नाम का, तो उनका जो है अभी गवर्नमेंट को जॉब मिल गया है, तो उन्होंने जो है टूरिज्म का जो वहाँ पे जो कार वगैरह चलाते थे वो छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन उन्हीं का जो है दोस्त उनसे एक जान पहचान हुआ है जो कि छेत्री भाई है, तो टाइटल है छेत्री, तो छेत्री टाइटल जो है वो नेपाली लोग होते हैं आपको पता है, तो वहाँ पे वो रहते हैं। तो उनसे उनका मैं नंबर आपको दे दूँगा, आप उनसे इंक्वायरी कर सकते हो और उनसे इंक्वायरी करने के बाद आप लोग जो है मुझे फिर से कांटेक्ट करना, आप बता देना कि आप उन्होंने मुझे पर डे के हिसाब से इतना पैसा बोला है, आप उसी पैसा से आप वहाँ पे जाके आप पूरा घूम सकते हो। तो देखो पर डे के हिसाब से जैसे उनके पास इनोवा क्रिस्टा है और स्विफ्ट डिज़ायर भी है, और आपको अगर हैचबैक कार चाहिए हैचबैक भी मिल जाएगा, तो ऐसे कार से रिलेटेड अलग अलग मतलब अलग अलग कार का अलग अलग प्राइस है। तो मेरे वीडियो का कहने का मतलब ये है ना कि आप लोग एडवांस में बुकिंग अभी मत करो, एडवांस में बुकिंग बिना बुकिंग करके जाओ तो आपको जो है ना सस्ते में मिल जाएगा। अभी बुकिंग करके जाओगे ना तो आपको देखो बुकिंग करके आप जाते हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मतलब एक हैवी बजट बन जाएगा आपका बुकिंग करके आप चलते हो तो, और अगर विदाउट बुकिंग जाते हो ना तो आपको जहाँ मर्जी वहीं रह सकते हो, अगर आपको होटल नहीं अच्छा लगा तो आप दूसरे जगह पर ले सकते हो। तो जो छेत्री भाई है उनसे आप कांटेक्ट करोगे तो वो आपको जो है अलग अलग लोकेशन अलग अलग जो है आपको ये लोकेशन पर अलग अलग लोकेशन पर आपको होटल प्रोवाइड कर देंगे, और होटल जो है ना 1000 में आपको बहुत अच्छा अच्छा मिल जाएगा मिडिल क्लास वालों के लिए। मैं तो एकदम सिंपल रहने वाला हूँ, मिडिल क्लास वाला इंसान हूँ, तो मेरे को जो है 1000 वाला जो होटल है फैमिली के लिए एकदम बहुत अच्छा मुझे मिला है और आगे भी मिलेगा मुझे पता है। और 1000 के लिए 1000 में आपको वहाँ पे ना बहुत अच्छा अच्छा रूम मिलेगा, उससे ज़्यादा अगर जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, 3-4 हज़ार के उसमें भी जा सकते हो, लेकिन 1000 वाला इनफ है अगर आप एक बजट में चलने वाला इंसान हो तो। तो बाकी जो है आप लोग जो है कॉन्टेक्ट करना मुझसे, आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप एडवांस बुकिंग करके मत जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है अभी फ़िलहाल। और आपको जो है और एक खुशखबरी है कि अभी फ़िलहाल NH10 जो है इस वक्त इतना अच्छा से जो है वो ओपन नहीं हुआ है। और देखो अगर आपको YouTube में बहुत सारे वीडियो जो एडवांस बुकिंग करने बोला है ना, तो आप ये छेत्री भाई से बात करके देखो एक बार, तो वो आपको असली जो है वहाँ पे जो है वहाँ का अंदर का जो बात है ना वो आपको छेत्री भाई ज़रूर बता देंगे। और उनसे मेरा बात हो चुका है, कोई भी आप इंक्वायरी के लिए उनसे बात कर सकते हो, वो आपका फ़ोन रिसीव करेंगे और आपको कोई भी इंक्वायरी होगा तो वो आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। और उनसे कांटेक्ट में रहो तो आपको बहुत अच्छा पैकेज में जो है आपको वहाँ पे टूर करा देंगे। और देखो मेरे मैं एकदम साफ साफ बोल रहा हूँ, मेरा जो है मकसद है यहाँ पे वीडियो बनाना यूट्यूब में, मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि सही जो नॉलेज है वो दे सकूँ, लोगों को हेल्प कर सकूँ। इसलिए जो लोग मेरे से इंस्टाग्राम में मेरे से कॉन्टैक्ट रहते हैं उन्हें पता है कि मैं सही सलाह देता हूँ या नहीं देता हूँ, और इससे मेरे को कोई भी फ़ायदा नहीं है। अगर आप छेत्री भाई से कांटेक्ट करके वहाँ पे घूमोगे तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन घूम के वापस अगर इस चैनल पर अगर आते हो तो एक थैंक्स जरूर लिख के देना, मुझे अच्छा लगेगा। और बाकी देखो बहुत सारे ऐसे मैं हेल्प करते रहता हूँ, गुवाहाटी में भी अगर किसी को होटल चाहिए तो वहाँ पे भी मैं आपको हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, वहाँ पे भी आपको अगर कार बुक करना चाहिए तो वहाँ भी मेरा एक दोस्त रहता है जो कि ओला उबेर में कार है, वो भी आपको वहाँ पे घुमा देगा, या फिर टैक्सी स्टैंड के जो मैनेजर है उनसे भी मेरा बहुत अच्छा जान पहचान है, वो भी आपको घुमा देंगे। या फिर आपको शिलोंग जाना है तो आपको शिलोंग में भी मैं आपको बहुत अच्छा जो है होटल और जो कार है कैब है वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो शिलोंग का वीडियो बहुत जल्दी बना रहा हूँ, शिलोंग में कैसे घूमना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कौन सा कॉन्टैक्ट नंबर में कॉन्टैक्ट करें, उसके रिगार्डिंग भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही था, अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप लोग जो है कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय। हाय पोल का दाव पाइप ज्यादा मत नहीं मैं जाके
मैं हूँ वहाँ तक जगह, डर के आगे जीते बोल के जा रहा था, कुछ नहीं है। यस यस गिव मी ऐसे लेने से मेरे क्या दोस्त छोटा हो गया बंदा को भी सब्जी खाना बंदा को अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन की वाटरफॉल नाम तो बेलेगा टेबल लगे नाम तो बदल इन वादियों में साफ़ यूँ सा है इश्क़ ऐसा है।